केंद्र में परिवार कल्याण स्वास्थ्य मंत्री और उर्वरक रसायन राज्य मंत्री की शपथ लेने के बाद पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र मिर्जापुर पहुंचे अपने दल यश की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल का जगह जगह स्वागत किया। कहलैट में आयोजित सम्मान समारोह में अनुप्रिया पटेल ने कहा कि दो बार केंद्र में मंत्री रही और तीसरी बार आप लोगों की बदौलत फिर से मंत्री बनी हूँ। बता दें कि मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मिर्जापुर के माथे पर एक कलंक था कि यहाँ पर तीन बार लगातार कोई सांसद नहीं जीत पाया। उस कलंक को मैंने धोने का काम किया है। वही हाथरस की घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया है। आयोग की जांच जारी है। परिणाम आने तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। जो भी दोषी होगा बख्शा नहीं जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मंत्रिमंडल के सभी नए साथियों को एक महीने तक अपने विभाग को समझने के उपरांत ही अपने संसदीय क्षेत्र में जाने का निर्देश दिया था। उस निर्देश का अनुपालन करते हुए आज मैं अपने संसदीय क्षेत्र मिर्जापुर पहुंची हूं और भारतीय जनता पार्टी अपना दल और हमारे सभी सहयोगी दलों के जो कार्यकर्ता और पदाधिकारी 48 डिग्री की गर्मी में चुनाव प्रचार में लगे रहे, जिनके परिश्रम के कारण हमने तीसरी बार मिर्जापुर की सीट को ऐतिहासिक रूप से जीता है, आज उन सभी कार्यकर्ताओं को मैं आभार व्यक्त करती हूँ, उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ। मिर्जापुर के माथे पर एक कलंक था कि यहाँ से कोई भी सांसद निरंतर तीसरी बार जीत नहीं पाया। हमारे कार्यकर्ता भाजपा के, अपना दल के, सहयोगी दलों के सबकी मेहनत के कारण हमने मिर्जापुर के माथे पर लगे इस कलंक को हमेशा के लिए ख़त्म किया है और तीसरी बार यहाँ से जीत की हैट्रिक लगी है। इसका सारा श्रेय मेरे सभी एनडीए के साथी दलों के कार्यकर्ताओं को मैं देती हूँ, उनको धन्यवाद देती हूँ। और मिर्जापुर में जीत की हैट्रिक लगने के साथ ही तीसरी बार मोदी जी की सरकार में राज्य मंत्री के रूप में कार्य करने का भी दायित्व तो मुझे मिला है। मिर्जापुर की विकास यात्रा अनवरत जारी रहेगी, यही मैं आज इस अवसर पर अपने मतदाताओं को शुक्रिया अदा करते हुए कहना चाहूँगा। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं घटनास्थल पर पहुँचे। हाथरस की घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक आयोग गठित कर दिया गया है। आयोग की जांच जारी है और हमें जांच के परिणाम आने तक, उसकी जो रिपोर्ट है उसके आने तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। जो भी दोषी है वो बख्शा नहीं जाएगा। ये उत्तर प्रदेश की सरकार का, हमारे सभी उत्तर प्रदेश के जनता को वादा है।